मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन। सर, संकेत ये मिले हैं कि संसद के विशेष सत्र में और नए संसद भवन में सरकार महिला आरक्षण बिल ला सकती है, अगर ऐसा हुआ तो क्या रणनीति होगी समाजवादी पार्टी की? देखिए, समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण बिल लाने चाहती है और बहुत दिन से ये पेंडिंग बिल है, इसको आना चाहिए। लेकिन इसका स्वरूप क्या हो, हम ये चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यकों का भी इसमें अलग से रिजर्वेशन इन द रिजर्वेशन हम ये चाहते हैं। और हमारा ये भी मानना है कि ये बिल लागू होना चाहिए तमाम पार्टीज के ऊपर। इलेक्शन कमीशन के को ये राइट नहीं मिलना चाहिए कि कौन सी सीट को महिला कर दे। हम ये चाहते हैं कि हमारी सारी पार्टियों के लिए रूल बने कि जो भी आरक्षण दिया जा रहा महिलाओं को, हम उसी हिसाब से अपने कैंडिडेट्स उठा रहे। और अगर सर पार्टियों को टिकट पे बांटने में 33% आरक्षण का अगर प्रस्ताव रहा तो क्या उसमें भी आप लोग आरक्षण की मांग करेंगे? क्योंकि फिर तो ये पार्टियों के विवेक पर होगा कि वो किसे देते हैं। यकीनी तौर पर हम फिर भी पार्टियों के अंदर भी आरक्षण में आरक्षण चाहते हैं, इससे एक बड़ा फायदा ये। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कांग्रेस का जो बिल था, अगर वही बिल सरकार लेकर आई वैसा ही लेकर आई तो आप लोग विरोध करेंगे? देखिए, हम अपनी बात कहेंगे, हम महिला आरक्षण के पक्षधर, ये महिला आरक्षण बिल आना चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी है, कुछ भी ला सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं, पिछले 4.5 साल में आपने देखा ही है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि महिला आरक्षण बिल के तो समर्थन में है, लेकिन आरक्षण के अंदर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए कोटा की मांग की है समाजवादी पार्टी ने। और साथ में ये भी कहा है कि अधिकार चुनाव आयोग को ना देकर के पार्टियों को दिया जाना चाहिए कि पार्टियां जो है वो अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में महिलाओं को आरक्षण दें।